एफआईए का चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी के नाम खत। एफआईए ने चेयरमैन सेनेट को आजम सवाती की गिरफ्तारी से बाज़ाब्ता आगाह कर दिया है। खत के साथ एफआईआर की कॉपी भी भिजवाई गई। मुनासिब कार्रवाई के बाद और मजाजत के बाद मुलजिम आजम सवाती को मौका 27 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। खत का ये मतन है। एफआईए का चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी के नाम खत। एफआईए ने चेयरमैन सेनेट को आजम सवाती की गिरफ्तारी से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है। खत के साथ एफआईआर की कॉपी भी भिजवाई गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जेक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।